वेलकम टू रिमाज रेमेडी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि ईद की मुनासबत से भी है और इसका इस्तेमाल आप मौसम गर्मा में वैसे भी कर सकती हैं। ये रेमेडी आपकी जिल्द का बिल्कुल ऐसे ख्याल रखेगी जिस तरह एक माँ अपने छोटे नौमौलूद बच्चे का ख्याल रखती है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। किसी रूठी को मनाना हो या फिर किसी मरीज़ की आयादत के लिए जाना हो, शादी का मौका हो या गम का कोई भी इवेंट हो, चाहे वो ख़ास हो या आम, गुलाब के फूल के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। हत्ता कि दुल्हन की खूबसूरती भी गुलाब के फूलों के बिना अधूरी है। तो ये फिर किस तरह मुमकिन है कि कोई भी इवेंट हो गुलाब के फूल के बग़ैर नामुकम्मल होता है? तो हमारी खूबसूरती गुलाब के बिना कैसे मुकम्मल हो सकती है? तो आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो हमारी स्किन को बेहद फ़ायदा देने वाली है। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम के लिए तो ये रेमेडी बहुत लाजवाब और बहुत कमाल की है। ये आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देगी और ये रेमेडी हर तरह की स्किन के लिए फ़ायदा मंद है। चाहे स्किन ऑयली है, स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क है, या स्किन पर पिंपल्स है, या स्किन पे बहुत ज़्यादा गहरे गढ़े स्कार्च बन गई हैं, तो सब के लिए ये रेमेडी बहुत ही मुफीद है। तो आए अपनी खूबसूरती को मुकम्मल करें इस रेमेडी के साथ। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, ईद के इवेंट को इसी रेमेडी के साथ खूबसूरत बनाइएगा। गुलाब का फूल जिल्द की खूबसूरती के लिए ज़माना कदीम से इस्तेमाल हो रहा है और इसका इस्तेमाल मिस्र से शुरू हुआ जब ब्यूटी आइकन क्लोपेट्रा ने इसे अपने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। जिल्द की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होने वाली जितनी भी हर्बल्स हैं उसमें गुलाब के फूल को और अर्के गुलाब को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि गुलाब के फूल में इस जिल्द के लिए बेशुमार फ़वाद होते हैं। जिल्द के लिए बेहतरीन टोनर का काम करता है और सिर्फ उसी आयल को बाहर निकालता है जो कि जिल्द के लिए पिम्पल्स या एक्नी वगैरह का सबब बनता है। और इसके अलावा भी जिल्द पर इसके बेशुमार फ़वाद हैं, लेकिन इसके फ़वाद अपनी जगह। आज मैं आपको इसके मज़ीद आपकी जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए एक ऐसा रोज़ वाटर बनाना का तरीका बताने वाली हूँ जो कि आपके जिल्द को मज़ीद खूबसूरत बनाएगा, और वो भी इस शदीद गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी में किचन में काम करना ख़वातीन के लिए बहुत मसला होता है। वो अपने जिल्द के लिए कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूँढ रही होती हैं जो उन्हें गर्मी के असरात से महफूज रखे। अर्के गुलाब में हमने चंद मज़ीद ऐसी चीज़ें शामिल करनी हैं जो कि वैसे भी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। इन तमाम चीज़ों के साथ हमारी जिल्द बहुत खुश रहने वाली है, जिल्द को मुकम्मल गज़ाइत मिलेगी और जिल्द हर वक्त बहुत तरोताज़ा रहने के साथ बहुत ज़्यादा गोरी और खिली खिली नज़र आएगी। तो इसके लिए हमने सिंपल अर्के गुलाब ले लेने हैं और उसमें हमने डालना है एक चुटकी जितना ज़ाफ़रान और साथ ही इसमें बिल्कुल 1/4 चाय के चम्मच जितने हल्दी का पाउडर डालना है, ताकि इसका जब आप इस्तेमाल करें तो आपके चेहरे पर पिलाहट सी महसूस ना हो, लेकिन इसके साथ ये जिल्द को फ़ायदा भी देती रहे। और साथ ही इसमें हमने बिल्कुल एक चुटकी जितना संदल का पाउडर डालना है। तो इन तमाम खालिज अज़ा को आपने अर्के गुलाब में मिक्स करने के बाद अर्के गुलाब में ऐसे ही रहने देना है। ये जितनी देर अर्के गुलाब में रहेंगे उतना अपना मज़ीद असर भी निकालते रहेंगे और आपके सिंपल गुलाब के अर्के गुलाब को मज़ीद उसकी इफ़ातियत बढ़ा देंगे। तो बस ये हमारा एक बेहतरीन सा स्किन टोनर तैयार है। जब भी आप किचन में काम करने के लिए जाएँ या किचन से काम करके निकलें तो इसको अपने चेहरे पर स्प्रे कर लें और रात सोते वक्त इसका आप इस्तेमाल भी साथ जारी रखें। और इसको रखना आपने फ्रिज में है ताकि जब आप यूज़ करें इसको ठंडा ठंडा अपने स्किन पे यूज़ करें और अपनी स्किन को बहुत सुकून दें।